धन्यवाद पंडित जी, आप दुर्लभ खजाने नाट्य संगीत के अलग अलग प्रांतों की बोलियों में ठुमरी, दादरा, पंजाबी, ठेका और कैसे उसका समन्वय कैसे उसको मराठी नाट्य संगीत में समाहित किया, बहुत सुंदर आपने बताया। बहुत दुर्लभ बंदिशें आपने गाई और जैसा आपने कहा कि किर्लोस्कर नाटक मंडली भावराव कुलहतकर जी और भास्कर बुआ बाखले जी और तेंबे जी, गोविंद राव तेंबे जी और बालगंधर्व जी से चलकर वो परंपरा बीच में संगीतकारों के हाथ लगी, 4-5 वर्ष बहुत पॉपुलर रहा, फिर वो बार बार उसका उठता और गिरता रहा। लेकिन अगर हम मॉडर्न संदर्भ में या आधुनिक संदर्भ में नाट्य संगीत की महत्व को उसको महनीय बनाने के लिए, उसको उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए एक व्यक्ति जिसके नाम वो श्रेय जाता है वो है विलक्षण प्रतिभा के धनी और गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी। और यह हम सबका सौभाग्य है कि उनके शिष्य और सुपुत्र आज यहाँ इस विमर्श में उपस्थित हैं और उनसे हमने बड़ा निवेदन किया है कि नाट्य संगीत पर पिताजी के परिपेक्ष से वो बोलेंगे और वो उनकी बनाई हुई कुछ रचनाएं हमसे साझा करेंगे। तो शौनक जी, आधुनिक नाट्य संगीत के जो कहते हैं ना, वो सूत्रधार आपके पिताजी रहे और नाट्य संगीत को वापस उतनी ही प्रशंसा दिलवाने वाले आपके पिताजी रहे, तो उनकी याद में आज उनको समर्पित ये आपका सत्र हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, मराठी नाट्य संगीत जिस समय में आया उस समय तंत्रज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो लोग तो रहते थे 400-500 जो भी लोग होंगे सुनने वाले, मैंने तो देखा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उन सब तक अपनी आवाज पहुंचे इसलिए गायक मंडली एक दो तीन चीजें करते थे। एक तो अपनी अपना सुर ऊंचा रखते थे, दूसरी बात अगर पद धीमा भी हो तो उसमें तबले का ठेका जलद होता था। जैसे खरा तो प्रेमा जो सत्यशील काका ने गाया, तो खरा तो प्रेमा ना धरी लोभ मनी, इस लय में अगर वो जा रहा है, पद जा रहा है, लेकिन ठेका पूरी लग्गी में जाता था, इस लय में ठेका चलता था, तो दैट वुड मेक इट इंटरेस्टिंग बिकॉज दे वेर नॉट केटरिंग टू ओनली कनोजर्स, दे वेर केटरिंग टू कॉमन पीपल, इट वॉज द पॉपुलर म्यूजिक ऑफ दैट एरा इन महाराष्ट्र, जो आज फिल्म म्यूजिक हम लोग बोलते हैं वैसे वो पॉपुलर म्यूजिक था उस समय का। और तो वैसे एक 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 पद मैं गाता हूं, और दूसरी बात उसमें ऐसी थी कि पद भी बहुत नीचे के सुर में गाए नहीं जाते थे, तो मैं दो तीन पद सुनाऊंगा। एक तो मास्टर कृष्णराव जी जो भास्कर बुआ बखले जी के शिष्य थे, बालगंधर्व जी के गुरु बंधु थे, और उनकी रचनात्मक ताकत ज्यादा थी, पर उन्होंने नाटकों में काम भी किया, उसमें रचनाएं भी की, तो उनकी एक रचना मैं गा रहा हूँ, सनातन नाधा, संगीत सावित्री इस नाटक से है, काफी नहीं। और इसमें देखिए आप कैसे उन्होंने ज्यादातर ऊंचे सुरों में गाते थे और ऊंचा, और उसमें भी ऊपर के सप्तक में ज्यादा विहार होता था। ताकि वो जैसे पद ये बंदिश के रूप में है लेकिन इसमें आप देखेंगे तो तान का प्रयोग है। सनातन नारद हर भगवान सनातन नारद हर भगवान सनातन नारद हर भगवान भगवान
साधु जना परावे पुलमित दानत अचरित दान सनातन भगवान सनातन भगवान सनातन नादनि नार नारदावदे नादनि नार नारदावदे नादनि नार नारदावदे नादनि नार नारदावदे शिरके विषय आना शिरके विषय आना शिरके विषय आना शिरके विषय फिर इसके बाद पंडित राम मराठे रामभाव मराठे जी का एक पद जो संगीत मंदार माला था सेकंड रिवाइवल ऑफ नाट्य संगीत ये पूरा आहिर भैरव का उन्होंने रचा है बंदिश रूपी है लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसको 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 ललित करने की कोशिश दिखती है इसमें जैसे ख्याल में हम लोग तन के गाते हैं वैसे इसमें उस वृत्ति से नहीं गाया जाता था शंकरा जय शंकरा
इसके बाद आखिर में मैं छोटा गंधर्व जी का एक पद, उनका पहला नाटक एज अ कंपोजर एज वेल, तो उन्होंने इसका संगीत भी दिया है, उन्होंने ये पात्र भी परफॉर्म किया था, और ये मांड में सांद माजा हासरा सांद माजा सांद माजा सांद माजा हासरा सांद माजा हासरा नाच भी कसा प्रेम सागरा नाच भी कसा प्रेम सागरा नाच वीक सा प्रेम सागरा प्रीत लहरी प्रीत लहरी ये भरा प्रीत लहरी ये भरा चांद माजा आसरा चांद माजा चांद माजा आ माजा चांद नाच भी कसा प्रेम सागरा प्रीत लहरी ये भरा सांद माजा गुण कनकाचा नव गोंधळी गे गुण कनकाचा कनकाचा नव गोंधळी गे गुण कनकाचा कनकाचा नव कोंदळी गे गुण कनकाचा नव कोंदळी गे शोभ गुण कनकाचा नव कोंदळी गे शोभ सीसके तू गिरा शोभ सीसके तू गिरा ग शोभ सीसके तू गिरा ग चांद माझा आसरा चांद माझा चांद माझा चांद माझा आसरा। तो ये रहा मेरा अल्प छोटा सा प्रेजेंटेशन, धन्यवाद। तो आपने इसमें देखा होगा कि आपने लय चलती लय रहती थी, ऊंचे सुर में गाते थे, तो दीज वर ऑल द वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग बिकॉज कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा और एनी आर्ट फॉर दैट मैटर। तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए ये सारे तंत्र इस्तेमाल होते थे। खैर उसका धीरे धीरे अभी शौनक जी तो उसके बारे में ज्यादा कहेंगे, लेकिन बाद में जैसे तंत्र ज्ञान आगे गया वैसे अभिषेक की बुआ ने उस चीज का पूरा उपयोग किया और संत लय के पद गाए, भावगीत जिसको कोमल तरीके से गाना होता है ऐसे भी कुछ पद उन्होंने नाटक में इंट्रोड्यूस किए। आई पास ऑन टू शौनक जी।
नमस्कार, सत्यशील दादा ने और संजीव ने इतना अच्छा विवेचन किया है कि मुझे उस काल के बारे में या नाट्य संगीत के बारे में, उस पिताजी के पहले वाले युग के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। जैसे पंडित सत्यशील दादा ने कहा कि 1935 के बाद इस परंपरा की लोकप्रियता कम होने लगी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कालानुरूप जो स्टोरी नई आनी चाहिए या संहिता नई आनी चाहिए वो हो नहीं रहा था। अच्छा, संगीत नाटकों का जो लेखक होता है वो उसको साहित्य और संगीत की इतनी अच्छी ये चाहिए कि वो साहित्य में उच्च लिख सकता है और संगीत कहाँ वहाँ प्लेस करना है उसको, जो स्टोरी को आगे ले जाए, इसकी उसको समझदारी बहुत होना, और वैसे लेखक कम हो रहे थे ऐसा मुझे लगता है। फिर म्यूजिक ये नट है, एक्टर्स जो एक्टिंग भी जानने जिनको जाननी चाहिए, अच्छे एक्टर्स भी होने चाहिए और अच्छे गाने वाले भी होने चाहिए, ये कम हो रहे थे। एक गिने चुने ऐसे नाम थे जैसे राम मराठे जी, छोटा गंधर्व, ऐसे नाम थे कि जो इस रोल में बैठे थे, पर वो बहुत कम थे। और फिर मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन्स हिंदी चित्रपट आना, यानी फिल्म आना, फिल्म आने के साथ नाटक की थोड़ी रुचि कम हो गई, लोगों ने फिल्म को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, ये भी कारण हो सकता है। और जैसे संजीव ने कहा कि 1950 से लेके 63 तक पंडित राम मराठे, विद्याधर गोखले, छोटा गंधर्व, ज्योत्सना भोळे, इन्होंने हीराबाई बड़ोदेकर काफी प्रयत्न करे इस परंपरा को जीवित रखने के और सफल प्रयत्न हुए, पर 1960 के बाद इस संगीत नाटक की परंपरा को पूर्व प्रवाहित और फिर से लोकप्रिय करने का श्रेय सिर्फ पंडित जितेंद्र अभिषेक जी को जाता है, ऐसे मुझे मेरी भावना है। 1963 में संगीत मत्स्यगंधा से लेके 1995 तक श्री बालकवि इनके जीवन पर आधारित सूत्र ताफे कड़ी तक 17 व्यावसायिक संगीत नाटकों का सफल संगीत दिग्दर्शन अभिषेक जी ने किया और इसमें बहुतांश नाटक व्यावसायिक तौर पर सफल और लोकप्रिय रहे, और इनका संगीत तो सभी नाटकों का संगीत बहुत लोकप्रिय रहा। मैं थोड़ी पूर्व पीठिका बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी का जन्म गोवा का है, गोवा में मंगेशी जो देवस्थान है उसके जो पुरोहित होते हैं उनके घर में पिताजी का जन्म, और तब गोवा में पोर्चुगीज राज्य था, शासन था। बाड़ूबुआ अभिषेकी ये ख्यातनाम कीर्तनकार थे, गोमांतकीय कीर्तनकार गोवा के, जिनके ये हमारे पिताजी के पिताजी रहे, और हमारे चाचा जी यानी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो संगीत नाटक में उस दौर में बहुत बड़ा नाम था, उनका कार्य अतुलनीय है। तो ये बैकग्राउंड रहने के कारण बाल अवस्था से अभिषेक जी पे वैदिक तथा कीर्तन के और संगीत नाटक परंपरा के संस्कार पहले से रहे, चलते रहे हैं, और जिसके कारण यही कारण हो सकता है कि आगे जाके उन्होंने शास्त्रीय संगीत और मराठी संगीत नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य उनके हाथ से संपन्न हुआ। मेरे विचार अनुसार नाट्य संगीत या पिताजी ने जो विशेषता है कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का मिड पॉइंट ये नाट्य संगीत हो सकता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के भी वैल्यू हैं और भाव संगीत का, सुगम संगीत का भी एक उस पर संस्कार रहा है। तो मैं मेरी विचार अनुसार मराठी नाट्य संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत भाव संगीत का सर्वोत्तम संगम है, दोनों संगीत धाराओं को एक साथ लाने वाला संगीत जो है वो नाट्य संगीत है, ऐसा मुझे लगता है। पिताजी की विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत से लेके उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत, लोक संगीत, इन सभी धाराओं का उत्तम उपयोग अपने संगीत में किया। शास्त्रीय संगीत की साधना, उसके साथ संस्कृत, हिंदी, मराठी साहित्य का उत्तम अभ्यास, प्रगल्भ वाचन,
और अपने चिंतन तथा मनन से मराठी संगीत नाटक के विश्व में उन्होंने एक नया अध्याय निर्माण किया जिसे अभिषेकी युग कहा जाता है। उनकी विशेषता मुझे ये लगती है, उन्होंने नाटक में जो बदलाव लाए, जैसे सत्यशील दादा ने कहा कि नाटक की महफिल होने लगी थी कि एक एक गाने को 10-10 बार वंस मोर, और जैसे उन्होंने कहा कि किसी व्यावसायिक संगीत शास्त्रीय संगीतकार को लाके बीच में बिठा देते थे और घंटा पर गवा देते थे, ऐसी कई बातें हुई जिसमें जिसके कारण डाउनफॉल शुरू हुआ इस संगीत नाटक का, और यही चीजें पिताजी ने बदली। मुझे इतना याद है कि जब कटियार कालिदास घोसले का 500 शो था तो बाबा विंग में खड़े थे और सामने दिलीप कुमार जी, लता जी, आशा भाई, आशा भोसले सब बैठे थे सुनने देखने के लिए, रविशंकर जी थे और वसंतराज देशपांडे गा रहे थे, तो उनको सुरत पिया की के लिए वंस मोर पड़ा तो बाबा ने नहीं कहा उनको और उन्होंने बात सुनी। तो ये मुझे लगता है एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है कि बदलते टाइम के साथ कैसा चुस्त होना चाहिए नाटक, उसके लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, इसका अभ्यास पिताजी ने बहुत अच्छा किया था। संगीत नाटक में जो बदलाव या फिर नई सोच का या विचार का पंडित जी ने उनके तरफ से विचार किया, उसमें ऐसे मुझे लगता है कि हर घराने और रागों का और गुणों का उन्होंने संगीत दिग्दर्शन में समावेश किया। उन्होंने जहां आप देखते हैं कि जोकंस, देवगंधार, गावती ऐसे राग यूज किए हैं, तभी उसी टाइम उन्होंने किरवाणी, अमृतवर्षिणी ऐसे दाक्षिणात्य राग भी, सालक वराड़ी ऐसे राग भी उन्होंने यूज किए। तो सब प्रकार का संगीत उन्होंने रागों के गुण लाने का प्रयास किया। संगीत नाटक क्या है, इसमें नाट्य कहाँ है और संगीत कहाँ होना चाहिए, जो दृश्य चल रहा है उसमें कौन से सुर सखोल और तीव्र रसात्मक परिणाम कर सकते हैं, उनका उत्तम ज्ञान पिताजी को था। मैंने देखा है कि वो संगीत नाटक के लेखक और दिग्दर्शक के साथ बैठ के उनके सेशंस हुआ करते थे। तो यहाँ ये गाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये भी बाबा उनको, नहीं तो एक खास संगीतकार ऐसा हुआ कि सब जगह उनका गाना ज्यादा से ज्यादा है, ऐसी अपनी मनीषा होती, पर उनका कटाक्ष था कि यहाँ गाना नहीं, ये स्टोरी के लिए यहाँ पे हानिकारक है या स्टोरी में कुछ हो ही नहीं रहा, गाने से कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ क्यों गाना डाल रहे हैं। उनका जो पहला नाटक था मत्स्यगंधा, वो उन्होंने जब वाचन सुना वसंत कानिटकर जी के घर में, तो उन्होंने पहला सजेशन ऐसा किया कि आप ये संगीत नाटक कर ही रहे हैं क्योंकि इसकी संहिता इतनी अच्छी है, भीष्म का जो किरदार है वो इतना स्ट्रांग है, तो इसको संगीत की जरूरत नहीं। पर कानिटकर का ये था कि ये संगीत नाटक होना चाहिए और वो हुआ। परंपरा को बाबा ने कभी इग्नोर नहीं किया, बाबा कहते थे मैंने परंपरा को नमन करते हुए ही नावीन्य का इसमें नावीन्य लाया। पुराने संगीत नाटकों की क्या बलस्थाने थी और जो नवीन पीढ़ी है उनकी रुचि क्या है, ये दोनों का एकदम जो संगम होना चाहिए वो उनके नाटक। परंपरा को नमन करते हुए अपनी तरफ से नावीन्य को लाना, यही उनका बलस्थान था। नाट्य और नाट्य संगीत प्रस्तुति में एक समय की बंधनकारकता, जैसे मैंने कहा चुस्त करना उसको, और टाइम्स वो चेंजिंग, लोगों के पास पहले जैसा पूरी रात या 6-6 घंटे एक नाटक देखने के लिए नहीं था, 3 घंटों में आपको, 2.5 से 3 घंटों में आपको अच्छा नाटक, संगीत नाटक पेश करना है, तो ये समय की बंधनकारकता है, ये पिताजी ने इंट्रोड्यूस की ऐसा मुझे लगता है, जिसके कारण संगीत कभी भी नाट्य पे हावी नहीं हुआ, संगीत और जो साहित्य है, संहिता है, वो साथ में चले। नाट्य संगीत गायक जो होते थे संगीत नाटक के, उनकी मर्यादा और उनके बलस्थान का विचार करके ही पिताजी ने संगीत दिग्दर्शन किया। जब रामदास कामत या वसंतराव देशपांडे एक ये करने एक्टिंग कर रहे हैं या गाने वाले होते हैं, तो उनके बलस्थान क्या है, उनके क्या वो कौन से किस प्रकार की गायकी अच्छी तरह से इफेक्टिवली गा सकते हैं, वैसे बाबा ने कंपोज किया।
और जहाँ आशालता वाबगावकर जैसी या आशा खाडिलकर जैसी गायिका थी, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, इसका पूरा विचार करने वाले संगीत दिग्दर्शन में पिताजी हुआ करते थे। कैरेक्टराइजेशन का उत्तम अभ्यास करके उसका संगीत नियोजन करना तथा अपने सांगीतिक विचार श्रोताओं तक कैसे पहुंचाना, इस पर उनका विचार रहा है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट निकाले हैं। जैसे मैंने कहा कि 17 संगीत नाटक और इतना बड़ा उनका ये रहा है, तो वो आधे घंटे में बताना बहुत मुश्किल है। संगीत में बहुत सारी बातें हुई, पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि नाट्य संगीत या संगीत नाटक में जो गाना गाया जाता है उसे गीत या काव्य नहीं कहते, उसे पद कहते हैं, नाट्य पद कहते हैं। तो मैं आपके सामने ऐसे कुछ नाट्य एकदम गिने चुने नाट्य पद सादर करूंगा। वक्त भी बहुत कम है, मैंने निकाले तो बहुत सारे थे क्योंकि अलग अलग प्रकार के कॉम्पोजिशंस बाबा ने नाट्य संगीत में किए हैं, पर उसमें से कुछ एकदम गिने चुने, जिसमें पहला उनका जो नाटक था संगीत मत्स्यगंधा, उस प्राध्यापक वसंत कानेटकर द्वारा लिखे और द्वारा निर्मित संगीत मत्स्यगंधा यह नाटक 1963 में सादर किया गया। इस नाटक के संगीत दिग्दर्शन के लिए जितेंद्र अभिषेक जी का चयन किया गया। महाभारत के पूर्व काल और भीष्म के जीवन पर आधारित यह नाटक था। मराठी संगीत नाटक के परंपरा अनुसार इसमें साकी, डिंडी, कामत, मंगलाचरण, अन्य सभी संगीत प्रकारों का इसमें उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। यह नाटक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शौनक आप ब्रेक हो रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सिग्नल शायद स्टेबिलाइज होने दीजिए और फिर बात करिए, नहीं तो आपकी बात पूरी, वी आर लूजिंग एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। आपका म्यूट निकालिए कुमुद जी। जहाँ बैठे हैं आप थोड़ा अपनी जगह से दाएं और बाएं हिलेंगे ना तो probably you'll get a better wifi। देखिए, हाँ, this is better now. Now you are looking better. You're fine. Can you hear me? Yeah, very good. We can hear you. कहाँ तक पहुँचा? कहाँ तक सुनाई दिया था आपको? वो तो बताइए। उनको यहाँ तक सुनाई दिया था कि उस ये वाले जो मत्स्यगंधा नाटक है उसमें संगीत के सभी सब प्रकार जो होते हैं, साकी और दंडी और ये सब का प्रयोग किया है। अच्छा, इस नाटक की एक स्टोरी है कि पहले 40-50 प्रयोग इसके असफल रहे क्योंकि लोगों की रुचि कम हो गई थी संगीत नाटकों में, नया कुछ नहीं आ रहा था। तो पहले 40-50 प्रयोग लोग आए नहीं इस नाटक को, और जब ऐसा डिसीजन हुआ, अभी सुनाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल। ऐसा डिसीजन हुआ कि ये नाटक बंद करना है, और तभी HMV रिकॉर्ड कंपनी ने इस नाटकों के जो पद हैं उनकी रिकॉर्ड्स निकाली, और ये रिकॉर्ड इस तरह सफल हो गई कि उसके बाद ये नाटक 1,000-1,500 प्रयोग हाउसफुल रहा। तो संगीत ये नाटक यशस्वी करने में कितना बड़ा योगदान रखता है, आप इस बात से समझ सकती हैं। इस नाटक का जो नाटक में जो मंगलाचरण है, नांदी, जो पर्दा खुलने के पहले प्रार्थना गाई जाती है, इससे हम मेरे प्रस्तुति की शुरुआत करेंगे। जी। अच्छा, ये नांदी जो है वो भी अलग राग में की गई है। इस राग का नाम है हंस किंकिणी। ओंकार
को नमन करते हुए पिताजी ने नावीन्य लाया तो इस नाटक का जो पहला पद था पर्दा खुलने के बाद देवा घर से ज्ञात गुणाला यह इसका उत्तम उदाहरण है क्योंकि यमन जो बहुत बार पुराने संगीत नाटकों में अच्छी तरह यूज हुआ था उसी को लेके अपना नाटक ओपनिंग करना और सिर्फ उसमें नावीन्य ऐसा करना कि उसकी सम है जो तीव्र मध्यम पे रखी उस काल को आप इमेजिन कीजिए 1963-64 का कि एक परंपरा का पगड़ा था सब जगह और तब ये सम मध्यम पे रख के अचंभित करना लोगों को लेकिन उसका क्लासिज्म कहीं भी कम नहीं होना चाहिए इतना अच्छी तरह उन्होंने वो रखा था और वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया और उस नाटक का वो सबसे लोकप्रिय गीत रहा तो मेरा स्टूडेंट है मेरे से ज्यादा अच्छा गाता है वो ये पद विश्वजीत मैस्त्री उसको मैं कहूंगा कि शॉर्ट में एक पद गाया हेलो कुणास लाभे
बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लड़का भी गोवा का ही है इसलिए। बहुत सुंदर शानक, आपने अच्छा उसको सिखाया, बहुत अच्छा गाया उसने, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। गोवा के मिट्टी में नाट्य संगीत और अभंग और भक्ति संगीत का एक तो वो आ जाता है इनमें। इसके बाद मैं जो संगीत नाटक मैंने चयन किया है वो संगीत ययाति अणि देवयति, भारतवर्ष के उच्च कोटि के कवि और लेखक कुसुमाग्रज उर्फ विवा शिरवाड़कर द्वारा लिखित संगीत नाटक का दिग्दर्शन अभिजीत जी ने किया। इसमें एक राग है, एक पद है जो राग गावती में निबद्ध है। मुझे लगता है कि पहली बार राग गावती का उपयोग, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग नए रागों का उपयोग बाबा ने अपने नाट्य संगीत दिग्दर्शन में किया, जैसे यहाँ गावती है। इसमें संपूर्ण मालकंश में भी एक लिखा गाना किया गया है इस नाटक में, पर मैं अभी सुनाऊंगा वो गावती का होगा। इसमें एक पद है जो बहुत फेमस है, बहुत सारे रियलिटी शोज में गाया जाता है और ना ही ना केवल मराठी आदमी पर हिंदी जो गायक हैं दिल्ली के या मध्य प्रदेश के, ये भी इस पद को बहुत पसंद करते हैं। हे सुरानो चंद्रवा, आपने सुना होगा, है बहुत फेमस है। तो ये बहुत ही, हाँ, तो वो इसी नाटक में पद यूज हुआ था जो चारुकिश में बद्ध है, पर मैं वो नहीं गाऊंगा, ये मैं गावती की रचना सुनूंगा। गम पनि थ म पनि धरे नि थ गम पनि गम 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 प्रेम वरदा प्रेम वरदान प्रेम वरदान
जाते दो नाटकों का सिर्फ जिक्र करूंगा जी। थैंक यू दादा। दो नाटकों का जिक्र करूंगा क्योंकि इसका म्यूजिक उस समय में बिल्कुल अलग था और ऐसा उसके पहले हुआ होगा मराठी नाट्य संगीत में, ऐसे मुझे लगता नहीं। सतीशील दादा ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। संगीत लेकुरे उदंड जाहली और बिकटवाट वहीवाट, ये दो ऐसे नाटक थे ये विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि बहुत अनोखा और नाविन्यपूर्ण प्रयोग उस जमाने में हुआ था। इन दोनों नाटकों के संगीत पर अंग्रेजी और पोर्चुगी संगीत का परिणाम था। जिस प्रकार फिडलर ऑन द रूफ इस अंग्रेजी चित्र में म्यूजिकल डायलॉग्स का उपयोग किया गया था, यानी गाते गाते बोलना, बोलते बोलते गाना, इस तरह का एक अनोखा प्रयोग लेकुरे उदंड जाहली इस नाटक में हुआ। और पहली बार बैकग्राउंड म्यूजिक का संगीत नाटक में उपयोग हुआ। और इसके जो नट थे वो पूर्ण फुल फेज गायक नहीं थे, वो ज्यादा एक्टर्स थे, श्रीकांत मोगे जी। पर उनसे इस तरह से बाबा ने गवाया कि वो गाना बोलना करके, और वो बहुत अनोखा प्रयोग रहा। मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सतीशील दादा ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिकट वाट वही वाट, ये सही परांत पे जी का नाटक था। इस पे पूरा पोर्चुगीज थिएटर, क्योंकि बाबा गोवा का उनका जन्म था और उनकी तब गोवा का शासन पोर्चुगीज था, तो उनको स्कूल में पोर्चुगीज लैंग्वेज कंपल्सरी थी। तो बाबा पोर्चुगीज लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, हिंदी, उर्दू, ये सब भाषाओं पे उनका प्रभुत्व था। और उस टाइम गोवा में पोर्चुगीज थिएटर, जिसको थियात्रा कहते हैं, वो बहुत फेमस था। तो इस नाटक में उस पोर्चुगीज थिएटर के तरह का म्यूजिक का बहुत उपयोग किया गया। तो ये दो नाटक बहुत अनोखे हैं, ऐसे मुझे उनके पूरे नाटक करियर में ऐसे लगता है। इसके बाद